क्या हो जाएंगे मंजरी और हर्षवर्धन अलग? क्या अभिमन्यु करा देंगे तलाक? हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। बात करें सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां अब अभिमन्यु ने डिसाइड कर लिया है कि वो मंजरी और हर्षवर्धन का डिवोर्स करवाएंगे, क्योंकि उनके पिता बार बार उनकी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार उन्हें गिल्ट फील करवाते हैं, बार बार रुलाते रहते हैं। इन सब से परेशान होकर अब अभिमन्यु ने डिवोर्स करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, जहां आप देखेंगे अभिमन्यु अपने पिता हर्षवर्धन बिरला के पास जाता है और बोलता है कि अब मेरी माँ आपको डिवोर्स देंगी, अब आप नहीं मेरी माँ आपको छोड़ेंगी, क्योंकि आपने बहुत परेशान कर लिया। जितना आपको मेरी माँ को तंग करना था आप कर चुके हैं, लेकिन अब मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस बात से हर्षवर्धन बिरला को बहुत गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वहीं पूरा परिवार इस बात का तमाशा देखता रहेगा। वेल दोस्तों, लास्ट एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे बार बार हर्षवर्धन मंजरी को धमकाते रहते हैं, कैसे उन्हें टॉर्चर करते रहते हैं। बार बार वो चाहते हैं कि मंजरी उनके अंडर में रहे। बार बार जब भी मंजरी अपने सपनों के लिए बोलती हैं, तब भी उन्हें चुप करा देते हैं। मंजरी ने तो अक्षरा को भी बताया था कि कैसे उनके सपनों पर लगाम लगा दी गई, कैसे उन्होंने इस परिवार के लिए अपने पूरे सपने को दांव पे लगा दिया, कैसे उनकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई, लेकिन फिर भी बिरला नहीं माने। वहीं आप आगे ये भी देखेंगे कि कैसे अभिमन्यु से बात करती दिखेंगी मंजरी। जी हाँ, अपनी माँ को परेशान देख अभिमन्यु उनके पास बैठेंगे और जब उन्हें वो पूरी कहानी बताएंगी कि कैसे हर्षवर्धन का टॉर्चर उन्होंने स्टार्टिंग से सहा, वो रोती दिखाई देंगी, जिसे देखकर अभिमन्यु भी रोने लगेंगे। वो उनसे बोलते हैं कि माँ मुझे सब कुछ बताइए। तब मंजरी उन्हें बताती है कि कैसे स्टार्टिंग से इस परिवार के लिए उन्होंने अपने सपनों की भी कुर्बानी दे दी, कैसे उनकी ही जमीन पर हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कभी उन्हें इस चीज का हक नहीं दिया गया। उनके पिता का अफेयर भी चल रहा था, यानी हर्षवर्धन बिरला का अफेयर भी चल रहा होता है जब अभिमन्यु छोटे होते हैं। ये सारी बातें मंजरी अभिमन्यु को रोते रोते बताती हैं, जिस बात से अभिमन्यु को और गुस्सा आने लगता है। मंजरी ये भी बताती है कि मैंने अफेयर के लिए मना भी किया, मैंने तुम लोगों की कसम भी दी, तुम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन वो इस चीज को नहीं माने। जिस बात से अभिमन्यु को और गुस्सा आ जाता है, वो जाकर डिवोर्स पेपर दे देंगे बिरला को और बोलेंगे कि अब आप नहीं मेरी माँ आपको छोड़ेगी, बार बार आप मेरी माँ को छोड़ने की धमकी देते हैं, बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मेरी माँ आपको छोड़ेगी। जिस बात से मंजरी घबरा जाती हैं, उन्हें तो बहुत टेंशन होने लगती है क्या सच में बिरला से उनका तलाक हो जाएगा। लेकिन हर्षवर्धन बिरला भी इतनी आसानी से चुप कहाँ बैठेंगे, वो और तमाशा करने लगते हैं। लेकिन आप आगे ये भी देखेंगे कि अक्षरा एक फोटो को बीच में से फाड़ देती है, जिस फोटो में मंजरी और हर्षवर्धन बिरला की शादी की फोटो होती है। इसे देखकर हर्षवर्धन को लगता है कि अक्षरा उनके साथ है, लेकिन अक्षरा उनसे साफ कह देंगी कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं आपका साथ दे रही हूँ। वहीं हर्षवर्धन को और गुस्सा आ जाएगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्या अभिमन्यु अपनी माँ की जिंदगी में खुशियाँ लाएंगे, क्योंकि आप देखते ही हैं कैसे मंजरी हमेशा रोती बिलखती दिखाई देती है। ऐसे में क्या अभिमन्यु का प्लान सक्सेस हो जाएगा, क्या अपनी माँ की जिंदगी में वो खुशियाँ ले आएंगे और कर देंगे हर्षवर्धन को दू। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिल्में भी। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें।